बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक नई खिलखिलाती हैप्पी पॉजिटिव सुबह के साथ चुगन काजिम आपके सामने हाजिर है। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आई होप कि मंडे का दिन सुकून से निकल गया होगा। असल में मसला ये है कि जब पीर मंडे आता है तो हर इंसान जो है कहते हैं ओहो वीकेंड ख़त्म हो गया, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, और अक्सर लोगों का मंडे ज़रा बोरिंग और डिप्रेसिव सा गुजरता है। लेकिन फिर ट्यूसडे मॉर्निंग आई थिंक हम ये सब एक्सेप्ट कर लेते हैं मंगल को कि भाई अब हफ्ता तो गुजारना ही है, तो हंसी खुशी गुजार लेते हैं। सो आई होप कि आज की सुबह आपकी खुशगवार गुजर रही होगी, और आपकी सुबह को और खुशगवार बनाने के लिए मॉर्निंग एट होम आपके सामने हाजिर है। तो बात करते हैं आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। कल भी हमने एक ही बात आपसे की व्यूअर्स के रिश्ते कितनी अहमियत रखते हैं। कल हमने दो ऐसे खून के रिश्तों की बात की जो बड़े ही प्यारे और बड़े ही औसम रिश्ते हैं। फिर बाप और बेटे के रिश्ते की हमने बात की और भाई और बहन के रिश्ते की बात की। आज हम कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात भी करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। एक तो आज हमें ज्वाइन करेंगी तीन बहनें, तीनों का मीडिया से ताल्लुक़ है, सिंगिंग से ताल्लुक़ है, बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं, और इंडिपेंडेंटली तीनों काम भी कर रही हैं और रहती भी साथ ही हैं। सो तीन बहनें, क्योंकि बहनों का भी आपस में एक बड़ा ही प्यारा और यूनिक सा ताल्लुक़ होता है। अगर मैं अपनी बहन की बात करूं, जिनको मैं हम सब आपा ही बुलाते हैं, शहरबानो, मेरा नाम जैसे मेहरबानो है तो उनका नाम सैयदा शहरबानो कासिम है। तो आपा के साथ, इवन तो आपा सिर्फ मेरे से दो साल बड़ी हैं, लेकिन उनके साथ एक बहुत ऑलमोस्ट लाइक अ मदर फिगर है आपा मेरे लिए और मेरे छोटे भाई के लिए। और बहनों का आपस में एक बड़ा यूनिक सा ताल्लुक़ होता है। एक नज़र से ही एक दूसरे की फीलिंग्स अंडरस्टैंड कर जाते हैं। लिटरली वो वाली बात होती है कि अगर मैं कोई तस्वीर लगाती हूँ और आपा देख ले तो आपा का फ़ोन आ जाता है कि परेशान लग रही थी, इज़ एवरीथिंग ओके? तो कुछ बहनों का आपस में बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग सा इंस्टिंक्ट होता है। फिर एक और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता जो शायद खून का नहीं है लेकिन खून के रिश्तों से ज़्यादा मज़बूत हो सकता है अगर हम उसको बनाना चाहें तो, वो है शोहर और बीवी का, मियाँ और बीवी का जो ताल्लुक़ है। बहुत से लोग जब किसी बुरे एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, मंगनी टूट जाती है, डिवोर्स हो जाती है, तो इंसान के अंदर एक तलखी आ जाती है, एक 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 नेगेटिव सोच आपके जहन में बैठ जाती है कि ये मियाँ बीवी का ताल्लुक़ होता ही प्रॉब्लमेटिक है, हमेशा ही मसले होते हैं। और वो जो कहते हैं ना, जिस तरह सास बहू का एक वो बनाया हुआ है डायनामिक लोगों ने, तो उसी तरह मियाँ और बीवी की भी एक वो बात बनाई हुई है कि भाई चल गया तो चल गया, नहीं चला तो बस बर्दाश्त ही करते हैं एक दूसरे को सारी ज़िंदगी। मैं इस चीज़ के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करना चाहूँगी। इसी चैनल पे जब मैं थी तो आई गॉट मैरिड टू माय हस्बैंड फैसल, और मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स कि शादी के बाद शायद मैंने शादी से पहले जितना काम किया था उससे डबल ट्रिपल काम किया है। इसलिए इसके पीछे दो रीज़न्स हैं। एक, क्योंकि फैसल की इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कि भाई जो जी चाहता है, यूर अ मीडिया पर्सन, आप आर्टिस्ट हो, आपने एक्टिंग करनी है, होस्टिंग करनी है, जो करना है करो, सुकून से करो। क्योंकि पहले तो ये होता था कि हमज़ा, मैं एक सिंगल मदर थी, उसको मैं पाल रही थी, तो बहुत से काम की चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि यही होता था कि भाई अगर शूट जो है वो 10 बजे 12 बजे तक जाएगी तो हमज़ा को सुलाएगा कौन, रात का खाना, ये सारी चीज़ें। अब वो सारी स्ट्रेसेस, माशाल्लाह अब तीन बच्चे हैं और तीनों बच्चों का मुझे स्ट्रेस नहीं होता जब फैसल घर पर होते हैं। और अगर फैसल और मैं दोनों मसरूफ़ हों तो मेरी बहन टेक ओवर कर लेती हैं, कोई और मेरे ससुराल में से कोई हेल्प आउट कर लेता है। तो व्यूअर्स, ये जो रिश्ते हैं, ये जो ताल्लुक हैं, ये एक पर्सनल खुशी तो हमें देते हैं लेकिन हमारी प्रोफेशनल ज़िंदगी में, हमारी इमोशनल स्टेट को, हमारे बाकी सारे मामलात में बड़ी सपोर्ट करते हैं। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी के फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल मसाइल हुए हैं, अपना घर छोड़ना पड़ा, तो फैमिली ने कहा कि भाई हमारे पास आके रह लो, किराए के मकान में ना रहो, हमारे पास आके रह लो। बहुत सी जगहों पे बच्चे छोटे हैं, मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं इन लॉज की तरफ, या आपने अपने मैके में जाके अपने बच्चों को छोड़ दिया और आप जॉब पे आ गए,
तो बात यह है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक बड़ा खूबसूरत है और उस ताल्लुक के थ्रू जो ताल्लुकात बनते हैं वो भी बड़े खूबसूरत हैं। आप सोचें कि शादी होती है तो सास और ससुर यानी कि आपको बोनस में माँ और बाप एक और मिल जाते हैं, आपके हस्बैंड के भाई बहन आपको बोनस में और भाई बहन मिल जाते हैं। अब हम ये बात तस्लीम करें, इस बात को कबूल करें या ना करें, ये अब हमारे पे डिपेंड करता है। सो आज हम रिश्तों की बात करेंगे, दो बहनों की, मतलब बहनों का जो आपस में ताल्लुक होता है, एंड देन ऑफ कोर्स मियाँ और बीवी का ताल्लुक। आप अगर हमें कॉल करना चाहते हैं तो 04299200648 पे कर सकते हैं, 04299200648 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे लाइव शो का हिस्सा बन सकते हैं। ऑल थ्रू द शो हम लाइव कॉल्स लेते रहेंगे क्योंकि अभी जब हम अपने अगले मरहले को स्टार्ट करेंगे तो हमने वेट लॉस पे बात करनी है। आई एम श्योर कि आपके सवाल होंगे वज़न कम करने से रिलेटेड। हमारे साथ एक बहुत ही रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट होंगी, बहुत ही क्वालिफाइड पर्सनैलिटी, तो उनसे भी बात करेंगे और आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। ज़ूबिया हैं इस वक्त हमारे साथ कॉल पर, आइए ज़ूबिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ूबिया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं ज़ूबिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। ये बताइए कि आज हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, मियाँ बीवी की या बहनों की। आपकी कोई बहन है? जी, हम तीन बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मुझे तीन बहनें हैं। तो अपने आपस के रिलेशनशिप के बारे में हमें बताएं। जी, उससे पहले मुझे आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। इतने अरसे के बाद आपने दोबारा मॉर्निंग शो को ज्वाइन किया और मैं आपकी बड़े अरसे तक जो है ना लाइव कॉलर रही। थैंक यू सो मच। और यकीन करें आज भी आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। आप भी स्क्रीन से खास तौर पर पीटीवी से गायब रही तो इस दौरान मेरी भी शादी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तों की खूबसूरती को मैंने महसूस किया। हकीकतन जो रिश्ते होते हैं चाहे वो बहन भाई हैं या मियाँ बीवी हैं तो ये विटामिन होते हैं हमारी जिंदगी के। बिल्कुल सही। और इनके बगैर जो है ना इंसान की जिंदगी गुजर नहीं सकती। और वही चीज है, जवानी तो गुजर जाती है लेकिन बुढ़ापे में जो है ना इन विटामिन की शिद्दत से जरूरत होती है। मैं एक बात बताऊं ज़ूबिया, ऑनेस्टली एक तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो शादी की, अल्लाह ताला दोनों को हमेशा खुश रखे, साथ रखे, आबाद रखे, एक दूसरे के साथ सलामत रखे, आमीन। अब आगे बढ़ते हैं इस बात से। अब बात यह है कि अल्टीमेटली विटामिन, इस विटामिन की आपको ज़िंदगी के हर स्टेज में ज़रूरत है। जब नई नई ये ताल्लुक बनता है मियाँ बीवी का, तब भी आपको अपनी फैमिली, फैमिली से मुराद आपके इन लॉज भी और आपकी बायोलॉजिकल फैमिली भी, उनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने अभी कहा, शादी हुई, बच्चे हुए, अब दोनों जॉब कर रहे हैं, क्या करें, कहाँ पे छोड़ें? अगर ससुराल के साथ अच्छा ताल्लुक है तो आपको एक सेकंड के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। सो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल मैटर करती हैं और इसके बगैर जिंदगी गुजर नहीं सकती। इनके इन रिश्तों के ताल्लुकात, वो कहते हैं ना कि अंग्रेजी में नो मैन इज एन आइलैंड, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी अकेले नहीं गुजार सकता, और अगर गुजार सकता भी है तो क्यों गुजारे जब इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत ताल्लुक हैं, तो हम उनको एंजॉय क्यों ना करें, राइट? बिल्कुल। जैसे कि मेरा आपके साथ एक इतना पुराना ताल्लुक है ज़ूबिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप यकीन करें जब आज मैंने आपको देखा तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे फौरन बात करूं। थैंक यू सो मच बेटा कॉल करने का। एक शेर भी डेडिकेट करना चाहती हूँ आज के हवाले से। दिन हो कि रात हो, सहर हो कि शाम हो, दिन हो कि रात हो, सहर हो कि शाम हो, तुम जब भी आ गए उन्हें तैयार देखना। वाह। मौसम पर मुनस्सिर नहीं होती सुगुफ्तगी, मौसम पर मुनस्सिर नहीं होती सुगुफ्तगी, तुम जब भी देखना उन्हें गुलों गुलजार देखना। क्या बहुत बात, बहुत शुक्रिया जुगन, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ऐसी हंसी मुस्कुराती रहे और फिर टीवी पर रौनक बख्शती रहे। थैंक यू सो मच ज़ूबिया, ब्लेस यू, थैंक यू मेरी जान, बहुत बहुत प्यार और बहुत सी दुआएं हमेशा। और अब आ गए हैं अब अपने प्यारे से और बहुत ही टैलेंटेड यंग शेफ के पास। हमारे साथ आज शेफ कनीज़
फातिमा हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। बेटी आज हम बात करें रिश्तों की, ताल्लुकात की, तो थोड़ा सा अपना ओपिनियन शेयर करोगी बहनों के रिश्ते के बारे में? डू यू हैव अ सिस्टर? बहन है आपकी? नहीं, मेरी बहन नहीं है, बट आई हैव फ्रेंड्स जो कि बहनों की तरह हैं। अच्छा, तो बहनों का एक रिश्ता एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। तो मतलब आप उनके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो, उनके साथ जो कंफर्ट जोन होता है उनके साथ, मतलब हैंग आउट्स, रिफ्रेशमेंट्स, मतलब मेंटली रिलैक्स हो जाता है बंदा। मतलब इंसान जितनी भी टेंशन में हो बहन के साथ या उन सहेलियों के साथ जो बहनों की तरह होती हैं, बंदा वो जो कहते हैं ना आजकल बड़ी एक टर्म यूज़ की जाती है, बंदा ईजी हो जाता है। और वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इतनी हेक्टिक लाइफ में। अच्छा मेरी जान, आज का हमारा मेन्यू क्या है? सबसे पहले तो मेन्यू शेयर। आज का हमारा मेन्यू है कश्मीरी दाल चावल, और साथ है हमारे तड़के वाले चावल होंगे, और तली हुई हरी मिर्च होगी, और कोकोनट खीर होगी। अच्छा ये बताइए कि रेगुलर दाल में और कश्मीरी दाल में क्या फ़र्क है? एक्चुअली रेगुलर दाल और कश्मीरी दाल में फ़र्क ये है कि रेगुलर दाल जैसे हम चने की दाल बना रहे हैं या मसूर की बना रहे हैं तो अलग अलग बन रही है, बट कश्मीरी दाल में मतलब दो दालों का कॉम्बिनेशन हो जाता है जिसके बाद वो कश्मीरी बन जाती है, कि आप चने के साथ मसूर की दाल डाल लें या माश की, तो अच्छा, वो आपकी अपनी मर्जी है। ओके, सो कॉम्बिनेशन और उसका तड़का भी मुख्तलिफ होता है। तड़का भी और आई थिंक कश्मीरी लाल मिर्च भी उसमें डलती है, राइट? अच्छा, सो मुझे मेन्यू, मुझे रेसिपीज बताएंगी बेटा? या श्योर। कश्मीरी दाल की रेसिपी है, पानी 1 लीटर, चने की दाल 500 ग्राम, मसूर की दाल 100 ग्राम, मुर्ग का गोश्त बगैर हड्डी 250 ग्राम, प्याज का पेस्ट 1 कप, टमाटर पेस्ट 1/2 कप, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हल्दी 2 चाय के चम्मच, नमक हसबे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया हरी मिर्च हसबे ज़रूरत, काले मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, तेल 1/2 कप, तेज़पत्ता 2 अदद। तड़के वाले चावल की तरकीब, चावल 1 किलो, तेल 5 खाने के चम्मच, तेज़पत्ता 2 अदद, ज़ीरा पाउडर 2 खाने के चम्मच, पानी 1 लीटर, नमक हसबे जायका। तली हुई हरी मिर्च की तरकीब, इमली का गूदा 1/2 कप, ज़ीरा पाउडर 1/4 कप, साबुत धनिया 1/2 कप, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका, हरी मिर्च 10 अदद, तेल 1/2 कप, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच। कोकोनट खीर की तरकीब, दूध 1 लीटर, चीनी 4 खाने के चम्मच, चावल 4 खाने के चम्मच, बारीक पिसा हुआ नारियल 3 खाने के चम्मच, केवड़ा हसबे जायका, क्रीम 5 खाने के चम्मच। Awesome. ओके, अब हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमने आपके साथ रेसिपी कार्ड शेयर कर लिए हैं, तरीका थोड़ा सा आगे जाके हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इतने फैटनिंग खानों के बाद कुछ वेट लॉस पे भी बात कर लेते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब बात करेंगे आपके और मेरे फेवरेट टॉपिक पे, वेट लॉस पे, और बल्कि अगर आज ये पर्सनैलिटी आ ही गई हैं तो इनके जाने से पहले मैं इनसे वेट लॉस प्लान लेके रहूँगी और ऑन एयर आपको कमिट करूँगी व्यूअर्स, और मैं इनको भी ऑन एयर कमिट करूँगी कि वो प्लान फॉलो करके 14 डेज के बाद मैं आपको बताऊँगी कि कितना वेट कम हुआ। ठीक है, अब एक्साइटेड हो गए आप लोग? क्योंकि मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो गई हूँ। सो आज एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ हैं जो मेरी बहन है, मेरा इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। जो बात अभी हमारी शेफ कर रही थी, फातिमा कह रही थी कि कुछ दोस्तें ऐसी होती हैं जो बहनों की तरह होती हैं, तो ये भी एक मेरी प्यारी सी ऐसी दोस्त हैं जो बिल्कुल बहनों की तरह हैं। और बाय द वे बड़ी अकम्पलिश्ड बहन है, इन्होंने स्पेशलाइजेशन की है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में, यानी कि ये हमारे जिस्म के एक एक इंजर पिंजर को अंडरस्टैंड करती हैं। उसके साथ साथ हेल्थ कोच हैं, कॉर्पोरेट मेंटोर हैं, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हैं और वेलनेस एक्सपर्ट हैं, और अब आयुर्वेदा पे भी काम कर रही हैं और उसके साथ साथ चाइनीज मेडिसिन, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM पे भी काम कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ द ब्रिलियंट डॉक्टर सहर चावला। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल नहीं है, ये एक्चुअली एक बड़ी हसीन हमारी
एक्चुअल ऐसी खातून है जिनको आप जब देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये इनको न्यूट्रिशन के बारे में पता होगा. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन. मैं कहती हूँ मज़ा ही नहीं आता जब तक आप जिस चीज़ की तबलीग कर रहे हैं आप उसकी खुद रूनमाई ना कर रहे हो. बिल्कुल सही, खुद उसका अक्स ना हो. अच्छा मैं साइड पर रख रही हूँ अभी तो कार्ड. सबसे पहले तो वेट लोगों का इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पिछले दिनों मेरा वेट एकदम से फिर बढ़ना शुरू हो गया. मैं परेशान हुई, डॉक्टर के पास गई. मेरा क्योंकि थोड़ा सा थायराइड का इशू है तो थोड़ा उसका ऊंच नीच हुआ हुआ था, उसको एडजस्ट किया तो अब फिर उतरना शुरू हो गया. तो ये मतलब वज़न चढ़ने का हमारे डिफरेंट ऑर्गन से भी ताल्लुक है? मैं तो समझी सिर्फ पेट से है. डेफिनेटली वज़न चढ़ने का हमारे डिफरेंट ऑर्गन से ताल्लुक है. और आप थायराइड हार्मोन की बात कर रही हैं तो मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगी कि जो आपका थायराइड हार्मोन है वो आपकी पूरी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है. यानी जिस स्पीड से आप कैलोरीज बर्न करते हैं, जो आप खाना खाते हैं, ये उस स्पीड को मुतासर करता है. अगर वो स्पीड आपके पास अफेक्ट होगी और साथ ही जो आपका थायराइड हार्मोन है वो आपके हाजमे को भी अफेक्ट करता है. अगर मेरे हाजमे का सिस्टम ठीक नहीं है, बहुत सारे लोग जुगन जो है उनका वेट लॉस सिर्फ इसी बात से स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है अगर वो अपने नवाले को 15 से 20 बार में चबाएं. यानी आप अपने कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट सारा खाना 15 दफा नहीं मैंने चबाया होगा तो आप कह रही हैं एक निवाले को. सिंपल एक्सरसाइज, आप यकीन करें आप इसको आज से शुरू करें. इससे होता क्या है, हमारे सलाइवा में, हमारी थूक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम रिलीज होता है एमाइलेज. अगर मैं मुंह में मैक्सिमम काम कर लूंगी तो मैं लोड कम कर रही हूँ स्टमक के लिए, मैं आंतों के लिए लोड कम कर रही हूँ. इस चीज से जुगन मेरे इतने पेशेंट्स की गैस और ब्लोटिंग भी ट्रीट हुई है. लोगों की गैस और ब्लोटिंग कम हो जाती है, खाने की डाइजेशन बेटर हो जाती है. और इससे होता क्या है, आप चले जाते हैं, आप कह रही वेट क्यों ज्यादा होता है, माइंडफुल ईटिंग की तरफ. यानी मैं सोच रही हूं कि मैं क्या खा रही हूं और कितना खा रही हूं जब मैं इतना चबा रही हूं. आपको भी पता है डॉक कि जब लोग खाना खा रहे होते हैं 90% हम लोग या टीवी देख रहे होते हैं या अपने फोन पे लगे होते हैं, अभी सारे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सारे यही करते हैं खाना खाते हुए टीवी लगा हुआ ये करें. एक वक्त था जब फैमिली के साथ बैठ के टेबल पे खाना खाया जाता था, गुफ्तगू भी चल रही होती थी, खाना भी खाया जा रहा था, तो क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस उस तरह से नहीं होती थी तो लोग खाना सही तरीके से खाते थे. अच्छा इसलिए इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं ना कि माइंडफुल ईटिंग. जब हम अपने लिए डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ लेते हैं ना, आजकल के तो आप टीनएजर्स को या यंगस्टर्स को देखें, वो सीजन लगाए बगैर खाना खा ही नहीं सकते हैं. आपको पता ही नहीं लगता कि आप एक्चुअली कितना खा गए हैं. पोर्शन साइज भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों की बात से डिसएग्री करूँगी जो कहते हैं कि आप जो मर्ज़ी खा लें लेकिन पोर्शन साइज का ख्याल रखें. नहीं, आपको जो मर्ज़ी खाने की इजाज़त नहीं है, आपको अपनी डाइट में भी सिराते मुस्तकीम पर चलने की इजाज़त है. और जुगन अगर हम हेल्दी खानों का, अब लोगों को फाइबर की बड़ी अवेयरनेस हो गई है ना, दलियों की बड़ी अवेयरनेस हो गई, नट्स और सीड्स की, अगर इनकी भी मैं ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशन करूँगी तो भी मैं वेट पुट ऑन करूँगी. अच्छा, बट क्योंकि मैं डेली अब जो है ना एक अपने लिए एक ड्रिंक सी तैयार करती हूँ जिसके अंदर मैं तुख मलंगा ज़रूर डालती हूँ, तो वो भी फाइबर में आता है. तुख मलंगा इस फाइबर, बेसल सीड आपके पास फाइबर है. बेसल सीड क्योंकि मुझे ना इस सब कोल नहीं पसंद, वो अपने अपने टेस्ट की प्रेफरेंस है. मैं भी नहीं ले सकती, मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरता, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करता है. बेसल सीड आपके पास बेसिकली एशियन वर्जन है चिया सीड की. चिया सीड उसका मैक्सिकन वर्जन है बेसल सीड. और गर्मियों में मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसकी तासीर कंपेरेटिवली ठंडी एज कम्पेयर टू चिया और फ्लैक्स. फ्लैक्स की तो एक्चुअली गर्म होती है. आपसे तो मैंने वैसे भी प्रॉमिस किया, आप कह रही थी ऑन एयर जुगन को भी मैं 14 दिन का प्लान बना के दे के जाऊंगी और इंशाल्लाह फिर सब रिजल्ट देखेंगे. नहीं तो फिर ये हम एक ऑन एयर कमिटमेंट कर रहे हैं. डेफिनेटली हम ऑन एयर कमिटमेंट कर रहे हैं. भाई इनका दावा है कि बड़े अच्छे अमाउंट का वेट लॉस हो सकता है इंशाल्लाह. उन्होंने मुझे वो बता दिया कि वो कितना है, लेकिन वो मैं आपके साथ एंड में जाके शेयर करूंगी कि एक्चुअली कितना वेट लॉस हुआ. टमी भी फ्लैट होगा, टमी फैट लॉस भी होगा एंड इट एक्चुअली चेंजेस. टमी पे ही तो फैट नहीं है मेरे, इट एक्चुअली चेंजेस योर मेटाबॉलिज्म. हां टमी पे तो फैट नहीं है, चलो जहां पे भी फैट है वहां से फैट लॉस होगा इंशाल्लाह, उधर ही फैट लॉस कराने. अच्छा कुछ ये भी तो बदकिस्मत लोग होते हैं ना जिनका वेट लॉस जब हो रहा होता है तो उधर से ही वजन कम हो रहा था जहां से ऑलरेडी पतले होते हैं. अब मेरी एक दोस्त है, उसके बाजू और ये जो अपर एरिया है सारा पतला हो जाता है और जो लोअर बॉडी है वो उतनी वाइड. अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हमारे पास दो बॉडी टाइप्स होती हैं. आप लकी हैं, मैं भी लकी हूँ कि हमारे पेट पे फैट नहीं है. हमारी ये पियर शेप बॉडी, आपकी दोस्त की भी पियर शेप बॉडी होगी, नाशपाती वाली. यानी ऊपर वाला स्ट्रक्चर पतला होना और नीचे वाला उस इंसान का ऊपर वाले से कंपैरेटिवली हैवी होता है जिसकी पियर शेप बॉडी होती है. दूसरी टाइप ऑफ ओबेसिटी होती है या बॉडी होती है जुगन, एप्पल शेप्ड बॉडी, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में सेंट्रीपीटल ओबेसिटी भी कहते हैं. एप्पल शेप इज नॉट गुड जुगन. हमारे सारे ऑर्गन्स हमारे पेट वाले एरिया में लोकेटेड है सारी चर्बी, और अगर वहाँ पे चर्बी है इसका मतलब है ऑर्गन्स के ऊपर चर्बी है. जितने भी लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जुमरे में आते हैं, यानी हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई होना, कैंसर प्रॉब्लम्स होना, अल्जाइमर्स होना, ये सारे के सारे लोग आपके पास एप्पल शेप्ड ओबेसिटी जो है, एप्पल शेप्ड ओबेसिटी से इनका सारा जो है वो मसला शुरू होता है. सो
पियर शेप्ड बॉडी इज गुड. बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे यार मैं कार्डियो भी करती हूँ, मैं इतनी डाइट भी करती हूँ, मेरी टांगे पतली नहीं हो रही हैं. अगर आपकी टांगे मस्कुलर हैं, आपकी टांगे फ्लैबी नहीं हैं और आपका ओवरऑल अच्छा वेट लॉस हुआ है और वो पतली नहीं हो रही हैं, तो दैट इज़ योर बॉडी टाइप एंड योर मसल मास. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. आपकी टांगे उस तरह की नहीं हो सकती जो किसी ऐसे बंदे की हो सकती हैं जिसका नेचुरली स्ट्रक्चर पतला है, बट दे नीड टू बी मस्कुलर. उनको लूज नहीं होना चाहिए एंड यू शुड फील हेल्दी एंड एनर्जेटिक. बिल्कुल सही. अच्छा अब मुझे बताएं कि एक सिचुएशन, मतलब जब हम वेट लॉस पे डिस्कशन कर रहे थे तो बहुत सी खवातीन के मैसेजेस भी आए कि भाई वेट लॉस जो है वो अपनी जगह है, लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ लोगों को वेट बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है. और मैंने सोचा इस पे बात इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि हसन की बारी मुझे 35 किलोज़ चढ़े थे, नूर बानो की किलोज, मैं पाउंड्स की नहीं बात कर रही हूँ, यानी कि ऑलमोस्ट 70 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 75 पाउंड्स मुझे चढ़े थे हसन की बारी जब आई वाज एक्सपेक्टिंग. और नूर की बारी 45 किलोज, मैं अपने से 3 गुना ज्यादा बढ़ गया. क्या गेस्टेशनल डायबिटीज हो गया था, कुछ हार्मोनल डायबिटीज भी हो गया था, या नूर की बारी हो गया था और बेड रेस्ट पे डाल दिया था उन्होंने मुझे. और इमोशनल ईटिंग, क्या एनीथिंग ऑफ जाहिर ही मेरे बंदा बिस्तर में लेटा हुआ है, सोची जा रहा है अपनी जिंदगी के बारे में. हसन की बारी तो फिर भी चल फिर रही थी. और आप सोचे कि माई फर्स्ट प्रेगनेंसी, एंड बाय द वे दैट वाज अ यंगर प्रेगनेंसी, हमजा की बारी 25 पाउंड टोटल चढ़े थे, दूसरी में 3 गुना ज्यादा चढ़े, चौथी में 4 गुना ज्यादा चढ़े, व्हिच इज आइडियल. 12 किलो एक्चुअली आपको चढ़ना चाहिए. सो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस. अगर आपके हार्मोनल इश्यूज हैं, सबसे पहले अगर स्पेशली थायर्ड हार्मोन का इशू है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ग्रोथ हार्मोन का इशू है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के इश्यूज हैं, प्लीज़ इन इश्यूज को असेस करें. इन इश्यूज को आप पहले एड्रेस करें, उसके बाद प्रेगनेंसी की तरफ जाएं. वैसे तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो वो आपके कंसीव करने के रास्ते में भी आता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कंसीव करने के रास्ते में आती है, मुश्किल है कि आप प्रेगनेंट हो. लेकिन अगर हो भी जाए तो उसके बाद वेट गेन, अगर फैमिली में भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है और आप एविडली थ्रू आउट एक जंक फूड ईटर रहे हैं, तो आप को गेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस हैं, वो डेफिनेटली आपके पास ज्यादा हो जाते हैं. अब होता क्या है कि जब आपको गेस्टेशनल डायबिटीज बीच में डेवलप हो जाता है, आपको और ज्यादा वो जो रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, यानी दिल बैठता है, बार बार खाने का दिल करता है, वो फिर आप उसकी ना साइकिल में चले जाते हैं. आइडियल अगर आपका BMI नॉर्मल है, यानी 18 से 25 के बीच फॉल करता है BMI, यानी आप नॉर्मल वेट के हैं, आपका वजन 10 से 12 किलो चढ़ना चाहिए जो आपका पहले बेटे की बारी में हुआ, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आप ओवर वेट हैं या ओबीज हैं, आपका 30 से ऊपर है, 35 से, तो आपका वजन 5 या 7 किलो से ऊपर जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगेन आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. और वो सारी खवातीन जो अभी ओबीज हैं, मेरी क्लाइंट्स भी जब आती हैं जुगन, मैं उन्हें कहती हूँ, और प्रेग्नेंट होने का सोच रही हैं, आपका जो मोटापा है, जो आपके जरूरत से ज्यादा फैट सेल्स हैं, वो उन सिग्नल्स को अफेक्ट करते हैं जिन्होंने फीटस में जाके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करनी है, आपके बच्चे की हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, पहले वजन कम करें. और एक और बात, वेट मर्द औरत दोनों को कम करना चाहिए, क्योंकि मर्द भी अगर अगर मर्द ओवरवेट है और खातून ओवरवेट नहीं है तो उसमें भी इश्यूज हो सकते हैं. डेफिनेटली उसमें भी थोड़ा सा इस चीज़ का, अगर हस्बैंड वाइफ ने कंसीव करने की तरफ जाना है तो अपने वेट को ज़रूर रिड्यूस करें. और बाय द वे, जब खवातीन को प्रेगनेंसी वेट चढ़ता है तो मियों को वैसे ही मोहब्बत प्यार में चढ़ जाता है साथ साथ. बीवी खा रही होती है, मियां भी साथ में. आई फाइंड इट वेरी फनी. बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जब कपल्स आते हैं और वो बताते हैं कि जी बच्चे के बाद से, तो मैं कहती हूँ आप कैसे मोटे हो गए. बच्चे के बाद से, बच्चा तो उन्होंने पैदा किया था. और एक और चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है ना जुगन, के मैंने अब 2 लोगों के लिए खाना है, ये गलत कॉन्सेप्ट है. आपने 2 लोगों को 500 कैलोरीज और चाहिए होती है. एग्जैक्टली, और वो भी तीसरे ट्राइमेस्टर में. दूसरे ट्राइमेस्टर में तो आपको 300 से 340 तक एग्जैक्टली ज्यादा चाहिए होती हैं. और जब आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तब आपको दिन की 500 चाहिए, लेकिन वो 500 आपको बर्गर से नहीं चाहिए, वो 500 कैलोरीज आपको हेल्दी खाने से चाहिए. जब ख्वातीन फीड करा रही होती हैं, अक्सर ऐसा होता है कि देखिए माँ का दूध, उससे बेहतर नेचर में कोई और चीज़ नहीं है. और अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने अपने बच्चे को फीड कराना है, तो बड़े लोग ये करते हैं कि वो फीड कहते हैं कि भाई हमने फीड कराना है तो हमने डाइट करनी है, तो वेट भी कम करना है, तो जॉब पे भी वापस जाना है. इस पे कुछ बताएंगी कि क्या डाइटिंग से दूध की क्वालिटी खराब हो जाती है? बिल्कुल खराब हो जाती है. और ये मैं सबसे पहले इस बात को, इतना अच्छा क्वेश्चन है, शुरू करना चाहूंगी कि वंस यू आर अ मदर, इट्स नेवर अबाउट योर सेल्फ. आपने माँ बनने की जिम्मेदारी ली है, अब सबसे पहला जिम्मेदारी आपका बच्चा है. कोई भी माँ प्रेगनेंसी के छिले तक, तो जब तक 40 दिन नहीं गुजरते, किसी भी तरह की आपने डाइटिंग और उस पर नहीं जाना, आपकी बॉडी इंटेंस रिपेयर मोड में है. और उसके बाद आप अपने बच्चे को अगर दूध पिला रही हैं, सबको दूध पिलाना चाहिए, ठीक है, तो आप डाइटिंग कर ही नहीं सकते हैं. दूध के 2 ग्लास तो आपको दिन में वैसे ही चाहिए. और मैं
आपको बता दूं जो ब्रेस्ट मिल्क से दूध आता है दैट इज 90% ऑफ वाटर. आपको खुद दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है ताकि आपका दूध ठीक तरह बने और बच्चे को मिले. बहुत सारी माएँ जो हैं जुगन जब मेरे पास आती है सिर्फ पानी की काउंसलिंग करके उनका ब्रेस्ट मिल्क ठीक आना शुरू हो जाता है. बिल्कुल. 2 ग्लास दूध के और प्रेफरेबली गाय के दूध के दिन में आपको भी चाहिए अगर आप लैक्टोज टॉलरेंट है. लैक्टोज टॉलरेंट नहीं है तो देन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस और आपको 500 कैलोरीज बढ़ानी है. डू नॉट गो ऑन अ क्रैश डाइट अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं. ये बहुत ज़्यादा ज्यादती है, दूध आएगा ही नहीं. देर इज़ और मैं आपको बताऊँ अगर आप ब्रेस्ट फीड करती हैं ना आप दिन में 600 से 800 कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर लेती हैं. वो भी योर बॉडी यूजेस कैलोरीज टू ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड. बट बात यह है कि इस चीज को मद्देनजर रख के अगर हमने डाइटिंग नहीं करनी तो हमने उसी तरह बर्गर्स पिज्जा नहीं याद रखे फिर बच्चे को मतलब गैस के इश्यूज हो जाते हैं, स्टमक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कॉलिक हो जाता है बच्चा. अच्छा अब बढ़ जाते हैं टूवर्ड्स ये तो दो चीज़ें इसलिए क्लियर करनी ज़रूरी थी कि ख़वातीन जो हैं वो प्रेगनेंसी में डाइटिंग करने की कोशिश करती है कि मुझे वेट कम चढ़े. फिर आगे जाके लो बर्थ वेट होता है बच्चे का या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो ख़वातीन फिर अपसेट होती हैं. अब बढ़ते हैं अगर आप एक नॉर्मल जिस तरह आप बच्चे हो गए हैं मेरे या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ना भी हुए होते बट मैं अब इस साइज पे अगर अपना वजन कम करना चाहती हूँ या कोई और इससे ज्यादा वेट भी हो और वो भी वेट करना चाहता है नॉट बिकॉज उन्होंने अच्छा दिखना है इसलिए क्योंकि वो हेल्थ के लिए बेहतर है तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? सबसे पहले तो जुगन मैं कहूंगी कि आप फैट डाइट्स और VLCDs वेरी लो कैलोरी डाइट्स पे ना जाएं. VLCD हम उसको कहते हैं जिसमें आपके पास कैलोरी ये मुझे कहा जा रहा है क्योंकि मैंने अभी आते ही कहा था मैंने कहा मैंने सोचा है कि मैं इतनी कैलोरीज की डाइट करूंगी 800 कैलोरीज की शक्ल देख रही है कि पागल हो गई हो मैं तुम्हें डाइट दूंगी उसमें कोई इतनी लो कैलोरीज नहीं है वेट भी तुम्हारा कम हो जाएगा काफी होंगे. जी बिल्कुल. फैट डाइट्स को आप पहचानते कैसे हैं यानी वो वाली डाइट्स जो आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दें कि पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा. और आप सबसे पहले मैं बता दूं वेट लॉस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. अगर मैं अभी 1 महीने के लिए आप लोगों के सामने बैठी हूं अपने ट्रैक से हिलूंगी ना तो मैं भी अपना साइज बढ़ा के आपके सामने आऊंगी. ये कॉन्टिन्यूस तपस्या है, ये कॉन्टिन्यूस मेहनत है, आपको इसमें रहना पड़ता है. और वंस आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत हो जाए आपको उसका भी चस्का बढ़ जाता है, आपको बड़ा मजा आता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. दूसरी चीज आपने बहुत लो कैलोरी पे नहीं जाना और कुछ फूड ग्रुप्स को अपनी जिंदगी से ये नहीं करना कि मैंने हमेशा के लिए निकाल दिया. मेडिटेरेनियन लाइफस्टाइल जिसमें सारे अच्छे फूड ग्रुप्स इंक्लूडेड हैं, नट्स हैं, ग्रेन्स हैं, सीड्स हैं, पोल्ट्री है, डेयरी है नॉर्मल अमाउंट्स में दैट इज द गुड वे टू गो. सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अपनी बॉडी टाइप को समझते अपने एक्टिविटी जो आपका एक्टिविटी लेवल है वो मेरा नहीं है वो किसी और का नहीं होगा उसको देखते हुए आपका कैलोरी चार्ट बनता है. और सबसे पहले अगर हम अपना मुंह शाम के 6 बजे बंद कर लेना डिनर के बाद आधा वेट लॉस तो उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है. और अगर सुबह जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट से पहले आप 1 घंटा वॉक करें जितना स्पीड ये आपके हाजमे के सिस्टम को करता है आपकी गट मोटिलिटी को करता है आपके कैलोरी बर्निंग प्रोसेस को करता है कोई चीज़ नहीं करती. 10 साल हो गए जुगन मैं इंटरमीटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, 2012 से मैं इंटरमीटेंट फास्टिंग पर हूँ एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट. वो सिर्फ एक हमारी कजन थी ना उनमें से एक को हमेशा देख के कहती थी बेटा कुछ तो खा लो सूख के कांटा हो गई हो. हम तरसे हुए देख रहे होते थे कि हमें भी कभी कह दे गलती से और कहते तुम लोग जरा कम खाया करो. तो जब भी कोई कहते ना मैं इतने सालों से इतनी वेट में रखा सूख के कांटे ये अब बस हमारे यहाँ पे अब तो इतनी ज्यादा. अच्छा डाइट चार्ट बताओ ना कोई डाइट चार्ट. मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि अगर हेल्दी वुमेन है, यंग वुमेन है, वर्किंग वुमेन है आपकी तरह हमारे एज ब्रैकेट की तो उसके लिए आपके पास बेस्ट ये होना चाहिए बिकॉज अब हमारा जो मेटाबॉलिज्म है आफ्टर 25 वो कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो हो जाता है. हमने शाम लेकिन शुक्र है सिर्फ 20 लेकिन शुक्र है 20 साल की है. एब्सोल्युटली 16 साल का मेरा बेटा हो गया लेकिन मैं हूं 20 साल. थैंक गॉड यू आर 20 बट लेट्स बी केयरफुल. ठीक है आपने 5 बजे अपना डिनर कर लेना है. जब आप प्लीज सुन ले 7 बजे के बाद आपका जो हाजमे का सिस्टम है मेरी उम्र की औरतों का बड़ी औरतों का जो हाजमे का सिस्टम है वो 30% स्लो हो जाता है. अच्छा नाश्ता जो है एक मिसकॉन्सेप्शन जो कि मेरी भी बड़ी देर बाद दूरी अच्छी बात है लोगों की भी क्लियर करती रहनी चाहिए. सुबह उठते ही साथ नाश्ता नहीं करना. ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर लाइफ. आप कह रहे हैं ना वेट कैसे लूज हो यू हैव टू अर्न योर ब्रेकफास्ट यू हैव टू विन योर ब्रेकफास्ट. और आप किसी चीज को अर्न कैसे करते हैं जब आप उसके लिए मेहनत करते हैं कुश्ती मियां के
याद कर ले, नहीं ये ऑमलेट मैं खाऊंगी। बाहर वॉक कर ले, बाहर रनिंग कर ले, थोड़े से स्क्वाट्स कर ले, कुछ कर ले, लेट 3 to 4 hours पास बाय बिफोर यू हैव योर ब्रेकफास्ट। बॉडी में अच्छी खासी कैलोरीज बर्न हो गई होंगी और कुछ घंटे, एक घंटा डेढ़ घंटा जरूर वॉक करें एंड कीप ड्रिंकिंग वाटर थ्रू आउट दैट टाइम एंड डोंट ओवरलोड योर ओवरलोड योर सेल्फ विद अ लॉट ऑफ कार्ब्स इन द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में अगर आपने वेट लूज करना और पूरा दिन अपना वो क्रेविंग्स और मुंह बंद रखना है, उसका क्या तरीका है? फैट को इंक्लूड करें ब्रेकफास्ट में, चाहे वो 2 चम्मच घी हो, चाहे वो 1 चम्मच मलाई हो, चाहे वो 1 चम्मच मक्खन हो। क्यों मैं बताती हूँ, चाय पीने दो, फिर चाय में मक्खन डाल लो, चाय में मलाई डाल लो, चाय में MCT मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड ऑयल, अब तो इसकी इंटरनेशनल, यानी कि जो आप डाइट मुझे देंगे उसमें चाय है, उसमें चाय, मैं तो खुद नहीं रह सकती चाय के, दूध नहीं है मगर इन्फ्लेमेशन निकालनी है ना, निकाली चाय, चाय काली चाय, एक्चुअल चाय काली चाय होती है। प्लीज लेट्स डू अ सेगमेंट ऑन चाय। आई डोंट, आई एम नॉट, तुम आपके साथ तो बिल्कुल नहीं करूंगी मैं, ये तो शदीद बदज़ौकी का इंडिकेशन है। You will love it, you know. Actually, जब आप वो roasted beans का जायका लेना शुरू करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। वो तो coffee की बात हो रही है। Coffee या black tea आप अगर कह लें, जो black tea के health benefits हैं ना, जो research हुई है जुगन, वो coffee से भी ज़्यादा ऊपर है। अच्छा, fat की मैं बात कर रही थी, मैं please बताना चाहूँगी, fat actually आपके पास क्या करता है? Insulin spike नहीं करता, fat में ये खासियत होती है, इसलिए keto diet में fat को prefer किया जाता है। हमें जो पूरा दिन, keto नहीं मैं करवा रही लेकिन मैं इसकी philosophy बता रही हूँ, हमें जो पूरा दिन cravings होती हैं, ये हमें होती हैं insulin spike की वजह से। अगर मैं सुबह सुबह कोई ऐसी चीज़ ले लूं जो मेरी इंसुलिन स्पाइक रोक दे, तो मुझे क्रेविंग होगी? नहीं होगी। एक मिनट, मैं ना अभी तक चाय पे अड़ी हुई हूं। अच्छा। तो अभी हमने आपको मैं जाने नहीं दे रही, अभी आप नहीं पे रहना, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि देखें आपने मुझे कहा कि 1 चम्मच मलाई डाल लो, तो चाय मुझे चाय में दूध ही डालने दो। अच्छा, दूध का हमारे पास ये क्या होता है कि इट हैज स्लाइटली इन्फ्लेमेटरी पोटेंशियल। जो डेयरी है आपके पास, फाइंड जस्ट स्लाइटली इन्फ्लेमेटरी पोटेंशियल, जैसे आके कहते हैं ना क्लाइंट्स, फाइंड अ सॉल्यूशन। 1 टेबलस्पून, आई एम सॉरी, 1 टेबलस्पून दूध पत्ती वाली खातून को कह, नो नो, ये हम अभी निगोशिएट करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखेंगे कि हमारी क्या डील बनती है। और सर आज हम एक्चुअली इस वीक हमने पूरा एक तरह से डेडिकेट किया है, कमिट किया है रिश्तों को, ताल्लुकात को, माँ बाप का रिश्ता हो गया, भाई बहन का रिश्ता हो गया, आज हम बहनों के रिश्ते पे भी बात करेंगे और फिर मियाँ बीवी के रिश्ते पे भी बात करेंगे। ज़रूर। तो क्योंकि ये रिश्ते भी तो हमारी मेंटल स्टेट को नॉर्मलाइज करने में बड़े काम आते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम आते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे आपके जॉइंट्स में जो लुब्रिकेशन फ्लूइड होता है वो कुशन होता है, अगर वो ना हो तो जॉइंट्स आपस में रगड़ रगड़ के ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। वैसे ही जो रिश्ते होते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आपका कुशन होते हैं जिसके ऊपर आप टेक लगा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। क्या बात है। ऐसे ही जैसे हम लोग कहते हैं कि जो एक इंसान है, एक सोशल एनिमल है, अगर आप अकेले रह जाएंगे तो आप मर जाएंगे, आप नहीं सर्वाइव कर सकते। आपको अपने जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ रहना पड़ता है, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। लड़ाइयाँ तो होती होंगी। हाय, खत्म हो, अच्छा इतनी हुई है कि अब खत्म हो गई, नहीं लड़ती आपस में, अब नहीं लड़ती, अब नहीं लड़ती, कम हो गया, कम हो गई, पहले बहुत होती है कि इकट्ठे रह रहे हैं काफी अरसे से, तो वो थोड़ा एक दूसरे को समझ गए हैं। अब कितनी देर से, देखो एक तो होता है ना माँ बाप के साथ वो वाला सिलसिला, अब तो क्योंकि तीनों अब काम भी कर रही हो और इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर रही हो, साथ भी कर रहे हो, तो आपस में कितना को टाइम स्पेंड करने को मिलता है? वैसे बहुत कम टाइम अब मिलता है, बहुत कम। अब तो रूम्स भी अलग-अलग हो गए हैं, तो रूम्स भी अलग हो गए। एक वक्त था कि हम तीनों इकट्ठी ही रहती थी, और तब बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी, जब एक रूम में थे तब बहुत लड़ाई, दिल चाहता था इकट्ठे ही रहें, लेकिन अब ऐसा हो गया कि थोड़ा सा चीजें बदलती जा रही हैं, तो एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। अब एक प्राई फीलिंग भी आ रही है, क्योंकि हुमा चली जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी, इसलिए ये दोनों जरा शरीफ बनी हुई है, मेरे साथ इतना लड़ती नहीं है। अच्छा, तो कब है शादी? एक्सपेक्टेड है नवंबर दिसंबर दिस ईयर, सो बाकी अल्लाह को जो मंजूर होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह
वन पार्टी में, और आप लाहौर में ही होंगे? हाँ, लाहौर में। अच्छा, इंशाल्लाह, यस। यानी कि काम फिर भी साथ हो सके? हाँ, काम तो इंशाल्लाह करते रहेंगे, करते रहेंगे। और ये सबसे अच्छी चीज़ जो हमें लगी कि इसके इन लॉज माशाल्लाह इतने वो सपोर्ट करते हैं, वो ख़ुद इसको कहते हैं कि आपका जो दिल चाहता है, आपने जैसे करना है, ग्रुप को कंटिन्यू करना है, सिंगिंग को कंटिन्यू करना है, आप करें। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी अच्छी। वेल, सबसे पहले तो देखें, ये तो हर इंसान का राइट है कि जो भी करियर वो अपना सेलेक्ट करे, वो खुद उसको लेके चले। बिल्कुल। जब लाइफ पार्टनर, स्पेशली अगर आप पसंद से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि वो आपको भी उस तरह से अंडरस्टैंड करे जिस तरह आप अंडरस्टैंड करोगे। और देखो, काम तो काम है, कभी कभी रात को 10 भी बज जाते हैं। एग्जैक्टली, ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। खैर, गुफ्तगू हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जहर खुदा का वास्ता है, डाइट प्लान दे दो, हमारे व्यूअर्स को डाइट प्लान दे दो। बिल्कुल, मैं यही बात कर रही थी कि नाश्ते में थोड़ी सी फैट से बात कर लें अगर इजाज़त है तो। नाश्ते में प्लीज़ फैट का एक सोर्स आपने ज़रूर रखना है। अब वो सोर्स किस तरह हो सकता है? हो सकता है आप अपना नाश्ता फैट में बनाएं। यहाँ पर मैं नाज़रीन की थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहूँगी कि जो लोग समझते हैं देसी घी हेल्दी नहीं है, देसी घी हेल्दी है। अगर मक्खन आप ऑर्गेनिक लेते हैं या अगर आप घर में बनाते हैं, वो भी बहुत हेल्दी है। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, 4 टेबल स्पून तक दिन में आप घी या मक्खन के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाहे आप उसको डिवाइड करके जुगन नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में करें, लेकिन नाश्ते में 2 टेबल स्पून तक अगर आप फैट का कोई और जरिया, कोई सोर्स शामिल नहीं करें तो उसको शामिल ज़रूर करें। अंडे, अगर आप अंडों से एलर्जिक नहीं हैं, बेहतरीन ब्रेकफास्ट हैं, क्योंकि अंडे जितनी देर तक आपकी सेटाइटी, आपकी भूख को कंट्रोल करके रखते हैं, उतनी देर तक कुछ नहीं करता। और बाय द वे, बॉइल्ड है, आई मीन वैसे तो फ्राइड एग भी अगर आप खा लो देसी घी में, बट द फैक्ट इज अगर दिन में मुझे स्नैक, अब पिछले 2 दिन से इंसान बनी हुई हूँ ना, तो स्नैक खाना हो तो मैं बॉइल्ड एग्स अपने साथ 2 गाड़ी में रखती हूँ। और अच्छी बात यह कि खराब भी नहीं होते, बिल्कुल खराब नहीं होते। और कोई चीज गाड़ी में आजकल रखो या बाइक पे साथ लेके जाओ या काम पे लेके जाओ, वो खराब हो जाती है, उसमें स्मेल आ जाती है। वाहिद चीज है जिसको आप पूरा दिन चला लेते हो। डेफिनेटली। और क्योंकि हम वर्किंग वुमेन की बात करें तो दोपहर में रोटी अवॉइड करें, क्योंकि दोपहर के टाइम वी नीड टू स्टे एक्टिव और हमें जरा फंक्शनल रहने की जरूरत होती है। हल्के फुल्के फ्रूट्स को अपना मिड मॉर्निंग स्नैक बना लें या अपना लंच बना लें। और दिन में अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं, 2 से ज़्यादा फ्रूट्स ना लें, क्योंकि फ्रूट शुगर बेशक वैसे तो बहुत हेल्दी होती है, लेकिन होता तो वो फ्रुक्टोज ही है ना। तो फ्रुक्टोज का लोड फिर लिवर पे पड़ता है। वेट लॉस में 2 से ज़्यादा फ्रूट आपने नहीं लेने, कोशिश करें एक पर ही रखें। अगर वो फ्रूट आम या केला है इस तरह, तो आपने उसको एक पे रखना है। सेब है, नाशपाती है, खुबानी है, आड़ू है, तो आप उसको 2 पे लेकर जा। अच्छा, एप्पल्स 2 a day। या अभी तक तो मैं अपनी इस डाइट पे जस्ट 70 कैलोरी, इट इज हाई फाइबर एंड 2 a day। और अंडा अगर आप फ्राई भी लेते हैं ना, जो आपके पास उबला हुआ अंडा होता है उसमें 80 कैलोरी होती है, फ्राई में 130 होती है, कंपैरेटिवली ओके। कुछ लोगों से बिल्कुल उबला हुआ अंडा नहीं खाया जाता ना, अगर उनको एवर्जन है तो, कुछ लोगों से नहीं, तो वो लोग फ्राई भी ले सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। और वेट लॉस में अप टू 2 eggs a day इज कम्प्लीटली सेफ, इट विल इनफैक्ट हेल्प यू, आपकी मदद करेगा वेट लॉस जर्नी में। शाम के टाइम स्नैक्स में अपना पेट भरने के लिए आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, आप कोई भी चिकन, कोई प्रोटीन सोर्स ले सकते हैं। आप अगर आपने लंच में फल लिया है तो आप स्नैक्स में शाम के टाइम सैलेड ले। कितने गौर से इस वक्त सुन रही है लड़की हमारी, ऐसे ऐसे सुन रही है, शादी होने वाली है ना। एग्जैक्टली, सोच रही हूँ कि मैं कब से स्टार्ट करूँ, क्यों स्टार्ट नहीं लिया जा रहा है, क्या मसला है? नहीं नहीं, मसले तो बहुत ज्यादा है। वैसे ही बंदा हेल्दी फील करता है, और कुछ नहीं। फेस थोड़ा बल्कि है, उसको थोड़ा कम करना है, और थोड़ी बैली शैली है, उसको थोड़ा कम करना है, डबल चिन है। प्यारे प्यारे जो बच्चे जब फजूल बातें करते हैं ना मुक्के मारने चलो ठीक है। एक बात ना मैं सबको कहना चाहूंगी, पेट किसी का भी नहीं निकला हुआ होना चाहिए। बोन स्ट्रक्चर एक अलग चीज है, ठीक है। बोन स्ट्रक्चर होता है जुगन, कोई चौड़ा होता है, कोई कम होता है। अब जैसे अगर मैं कहूंगी, मुझे पता है आपने मेरा मजाक उड़ाना, मेरी हड्डी चौड़ी है बेसिकली, ठीक है, मास इज पे कम, आई न्यू इट, बट आई न्यू इट। अच्छा, मुझे क्या कह रही हो, देखो तीन लड़कियां हंस रही है, बट शेफ वो कह रही है उनकी हड्डी चौड़ी है। She is so busy doing that. वो भी हंस पड़ी है हमारी। अच्छा, प्यारी सी बात में वो भी हंस पड़ी है। मास बहुत कम है, बट अगर आप अपनी बोन का जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पेट चाहे आपकी हड्डी कितनी भी चौड़ी है नहीं निकला हुआ होना चाहिए, उसका मतलब है कि आप प्री डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन चीजों की तरफ जा रहे हैं। डिनर में वेट लॉस की तरफ आ जाते हैं, वरना ये ना वो रह जाए। डिनर में हल्का फुल्का प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करें, लेकिन बहुत कम अमाउंट। वेट लॉस में जुगन 3 से 6 ounce, दुल्हन हमारी होने वाली बता दूं, 3 से 6 ounce तक आपके पास होना चाहिए, 6 ounce से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। और जो कुकिंग का तरीका होता है बनाने का, वो भी बड़ा डिपेंड करता है। आपने
फ्राई नहीं करना। प्रोटीन वैसे ये गर्म गुजा है, वो उसकी गर्म तासीर को बढ़ाएगी। आपने उसको स्टीम करना। और मटन में नहीं, नहीं बीफ और मटन रात को नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट चिकन, आई एम टॉकिंग अबाउट फिश। और अगर 3 से 6 आउंस आप जिस टाइम, मैं डिनर का कह रही हूँ ना जुगन 5 बजे, उस टाइम बीफ मटन कुछ मैं क्या करूँ, आई डोंट लाइक चिकन, मुझे चिकन का, मैं अंडे, आप मुझे 50 अंडे खिला, मटन ईट फिश। तो मटन को किस तरह, मटन इज हेल्दी, मटन से बू आती है, अगर आप उसको प्रॉपर भूने ना उसे बू आती है। आई लव मटन, आई एम अ कार्निवोर, मैं एक शदीद कार्निवोर इंसान हूँ, सो आई लव मटन, आई लव बीफ, बट अगर अच्छी तरह भूने और अगर अच्छी तरह करें तो आई थिंक इट्स अमेजिंग। और भूनने वाला मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा है जुगन, भूनने वाले मेथड से तो आप कह रहे थे सबसे ज़्यादा कर लें, तो स्टीम भी कर सकते हैं, भून भी। अच्छा एक बात बताऊँ, सब्जी जो है ना उसको जितनी कम देर पकाएं उसकी गजाइत मेंटेन रहती है, गोश्त को जितनी ज़्यादा देर पकाएं गजाइत अनलॉक होती जाती है। रज के भूने अपने गोश्त को, अच्छी तरह भूने अपने गोश्त को, 4 टेबलस्पून पूरे दिन में यूज होना चाहिए वेट लॉस के लिए। आपने 3 या 4 बोटियां खानी है ना, 3 से 6 आउंस में 3 बोटियां आप खा लेंगी, ठीक है, तो आप उसको आधे पौने 1 टेबलस्पून में बस जल्दी जल्दी स्टर फ्राई करें, एंड इट इज सो हेल्दी। यानी कि डाल सकते हैं और देसी घी डालने बेस्ट है, और वैसे भी मटन देसी घी साथ में आपने प्याज टमाटर डाल ली, नमक और काली मिर्च आप और लहसुन, बस इतने मजे का वो गोश्त बनता है, यू डोंट इवन नीड टू ऐड एनी अदर मसालास टू इट। हरी मिर्चें बेशक ऊपर डालें, वो और ज्यादा हेल्प करती है वेट लॉस में। इसको लूंडा गोश्त या लूना गोश्त भी पता नहीं लोग क्या। नहीं नहीं नहीं, रोटी नहीं तो वो लो जी, वो उसने अपना डालना था बीच में अपनी कमेटी हमारी। अगर रोटी खानी है ना तो या वो आपने सुबह को खानी है, और लेटस रैप्स, लेटस रैप्स आर अमेजिंग, लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों का लेटस रैप से पेट कहाँ भरता है। लेटस रैप में अगर आप पीनट बटर का वो डाले, अगर आप लेटस रैप में पीनट बटर का सॉस बना के डाले तो बड़ा मजा, अमेजिंग। अगर उसमें आपके पास एडिशनल शुगर नहीं है, एडिशनल सॉल्ट नहीं है, अच्छा आपने पीनट बटर खरीदते वक्त आपने ये बहुत ज्यादा ख्याल रखना है उसके इंग्रीडियंट्स पढ़ के कि उसमें सॉल्ट तो ज्यादा एडिड नहीं है। अगर आपका दिन का सॉल्ट 2300 मिलीग्राम से ऊपर जाएगा आपके जिसम में वाटर रिटेंशन शुरू हो जाएगी। इसलिए वेट लॉस डाइट्स में अक्सर मैं खाने में सॉल्ट नहीं डलवाती, मैं कहती हूँ खाने को अपना ही सॉल्ट रिलीज करने दो। अगर आपने रोटी लेनी है ना, वेट लॉस में भी ली जाती है, मैं लोगों का करवाती हूँ उससे, लेकिन वो नाश्ते के टाइम या दोपहर के टाइम, रात के टाइम आप मत लें। 7 बजे के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आराम करना चाह रहा है, लेट इट रेस्ट। एक सीडी साइज मीडियम 70 से 100 कैलोरीज की रोटी नाश्ते के टाइम ले लें, वो भी जब आपने दौड़ लगाई हो, आपने काम किया और आपने डिनर 6 बजे किया। अच्छा आपने शुरू इस बात से की थी, जस्ट टू लेट यू गर्ल्स नो, कि आपने सुबह उठते ही सबसे पहले आपने वॉक करनी है 1 घंटा, वॉक कर लें, जिम कर लें, जो भी सुबह आप एक्सरसाइज करें एक दफ़ा खाली पेट, और उसके फौरन उसके कोई 1-2 घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट, यू विल फील ग्रेट। या 2-3 दिन जरा आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगा, ये इंटरमीडिएट एक आदत भी बन जाएगी। You will love yourself after a week. Exactly. मैं यही तो करती थी जब मेरा आप जितना वेट हो गया था, तो मैं यही करती थी, सुबह उठ के सबसे पहले मैं जिम जाती थी, जिम के बाद शो करती थी, शो के दौरान थोड़ा सा चाय पी ली या कुछ चीज़ पी ली ड्यूरिंग द शो, और आफ्टर द शो नाश्ता ब्रेकफास्ट करती थी। और कितने दिनों के बाद आपको वो रिजल्ट आना शुरू हो गए थे इस रूटीन के बाद? 3 दिन के बाद पहला पाउंड उतरा था मेरा, 3 डेज के बाद फर्स्ट पाउंड। मेटाबॉलिक एडाप्टेशन शुरू हो जाती है, 3 दिन लगते हैं आपकी मेटाबॉलिक। अच्छा, व्हाट अबाउट डिटॉक्स वाटर? अच्छा ये बहुत बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, डिटॉक्स वाटर्स आर गुड, लेकिन डिटॉक्स वाटर्स कोई जादू की पुड़ी नहीं है, देर इज नो जादू की पुड़ी फॉर योर वेट लॉस। डिटॉक्स वाटर्स वर्क, वो तब काम करते हैं जुगन जब आपकी पूरी रूटीन ठीक हो। ओके, नेक्स्ट टाइम व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट डिटॉक्स वाटर्स, लेट्स डू दैट, नेक्स्ट टाइम हम डिटॉक्स वाटर्स पे बात करेंगे, यानी कि अब आपको शो देखना पड़ेगा। श्योर आई विल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जान, एक जरूरी काम मुझे और भी करना है जिंदगी में, तो अब मैं यहाँ से उठने लगी हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच, लव यू, ब्लेस यू, लव यू टू, थैंक यू। व्यूअर्स, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी उस एक डिवाइस, एक गैजेट की जिसने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, एक ऐसी होम अप्लायंस ने। 6 आइस जेल की बॉटल्स जो हैं वो इसके अंदर होती हैं। अब आप देख रहे होंगे ये रॉयल फैन का रूम कूलर है, ठंडी हवा और खुशबू साथ साथ। अब इसके अंदर एक बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगी, बिल्कुल ब्रांड न्यू है तो इसको मैंने आपको ओपन करके दिखाना है, बिकॉज इसके अंदर ये देखें बहुत ही अमेजिंग इसका सिस्टम है। ये आइस की जेल
बॉटल्स हैं, इसको आप अपने फ्रीज़र में रखेंगे, ये अच्छी खासी जब ठंडी हो जाएंगी, जब आप इसको भी डालेंगे तो लिटरली ऐसे लगता है कि जैसे एयर कंडीशनर की खुशबू, एयर कंडीशनर की हवा आप जो हैं वो ले रहे हैं, और उसके साथ साथ जब आप इसमें खुशबू का एलिमेंट भी ऐड करेंगे तो इट्स अमेजिंग। इतना खूबसूरत, इतना नीट एंड क्लीन मैंने रूम कूलर कम ही देखा है। ऊपर आइस बॉक्स का ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि किस टेम्परेचर की कूलिंग आपको चाहिए, फ़ैन की स्पीड भी अगर आपने लो करनी है या हाई करनी है, और स्विंग का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। अच्छा, अब ये आपको 24 घंटे की कूलिंग देगा। 2 इंच इंपोर्टेड कूलिंग पैड्स हैं जो ठंडी हवा प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। आपके डोरस्टेप पे, आपके दरवाजे पे 1 साल की फ्री होम रिपेयरिंग की भी फैसिलिटी है, यानी कि 1 ईयर वारंटी। देन हैवी ड्यूटी मोटर है जिसकी बहुत लंबी थ्रो है, विच मीन्स कि अगर आप यहाँ पे इसको लगाएंगे हमारा पूरा स्टूडियो आराम से ठंडा हो जाता है। 80 लीटर का बड़ा टैंक है जो आपको बार बार कूलर में पानी भरने से बचा लेता है। 80 लीटर्स तक की इसके अंदर आप फिलिंग कर सकते हैं और सारी रात ठंडी हवा इंजॉय करें। बेस्ट क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल जो साथ निभाए ज़िंदगी भर का, और आप जानते हैं कि रॉयल फैंस का भी ये कहना है कि साथ ज़िंदगी भर का, और इसी तरह से हम आपको यही कहते हैं कि प्लीज़ वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो ज़िंदगी को आसान बनाएं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी आसान बतानी है तो जाइए ऑनलाइन फ़ौरन ऑर्डर करें रॉयल का रूम कूलर और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। ठंडी ठंडी हवा और वो भी खुशबू के साथ, क्या बात है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम, और मनवा सिस्टर्स ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और डॉक्टर सार चावला ने हमें बड़ी अमेजिंग सी टिप्स दी वेट लॉस से रिलेटेड। अब हम आ गए हैं किचन में प्यारी सी शेफ कनीस फातिमा के पास। फातिमा, ये बताइए बेटा कि अभी तक क्या तैयार हो गया किचन में? अभी तक कोकोनट खीर तैयार हुई है, तली हुई हरी मिर्च और साथ सैलड। दाल को बस तड़का लगने वाला है। बेटा कपड़ों को क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुई है कोई सेट के ऊपर? दाल को ब्लेंड कर रही थी फातिमा। एक्चुअली वो एक जूसर के साथ हो गया, थोड़ा सा ब्लंडर हो गया। हाँ, ब्लंडर हो गया, चलो डजंट मैटर, ये तो होता है लाइव शो में। बट द पॉइंट इज, यही हम आपको दिखाते हैं व्यूअर्स, घर में भी कभी कभी चीजें ऊंच नीच हो जाती हैं, परेशान नहीं होना, मूव ऑन, राइट? अच्छा, सो ये भरी हुई मिर्चें जो हैं, इनको आपने कैसे तैयार किया था, इनके अंदर क्या, इनको किस तरह आपने, इनकी प्रेपरेशन का तरीका क्या है? इनकी प्रेपरेशन का तरीका ये, इसमें हमने इमली का गूदा लिया है, आमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, साबुत धनिया और नमक, इन सबको लेमन जूस डाल के एक पेस्ट बना के इसके अंदर भर दिया। हाँ, हरी मिर्च के अंदर भर दिया। पहले हरी मिर्च को कोई 10 से 15 मिनट तक पानी में भिगो के रखा है। फिर उसके बाद इनको अच्छे से ड्राई करने के बाद फिर इन हरी मिर्च के अंदर मसाला भरने के बाद इनको फ्राई किया है और अब सर्व कर दिया, तो अब दाल चावल के साथ सर्व किए जाएंगे। ठीक है, और ये कोकोनट खीर कैसे बनाई? कोकोनट खीर बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जैसे दूसरी खीर बिल्कुल सिंपल सी बनती है। इसमें सिर्फ इंग्रेडिएंट ये हुआ है कि कोकोनट डाला है हमने और क्रीम डाली है। ठीक है, तो 1 लीटर दूध, 4 खाने के चम्मच चीनी। नहीं, वो तो हमने चला दिया था, मुझे बस बता दें कि उसको, उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि हमने पहले दूध को बबॉयल करना है, बॉयल करने के बाद हमने 4 चम्मच जो चावल होंगे उनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद फिर चावल जब पक जाएंगे हमारे 4 खाने के चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद फिर कोकोनट, इलायची और क्रीम, और इनको अच्छे से पकने के बाद जब उसका टेक्सचर थिक हो जाएगा फिर उसको डिश आउट कर लेंगे और इस तरह उसको डेकोरेट कर लेंगे, हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ठंडी हो जाए। थैंक यू सो मच फातिमा, दाल चावल आप बनाती रहे। आइए मिलते हैं अपने प्यारे प्यारे गेस्ट से, एक ऐसा कपल जो अगर हम इन्हें पावर कपल कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। उनमें से एक पर्सनैलिटी मेरे जानी दुश्मन है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमने कामयाब कपल्स की बात करनी है, ऐसे कपल्स की जो एक एग्जेम्पलरी कपल हैं, तो फिर मरहूम अहमद बिलाल और उनकी वाइफ ज़ैनब अली का ही नाम जहन में आता है। अब अहमद बिलाल जो हैं वो ख़ुद एक एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, होस्ट हैं और साथ साथ वकील भी हैं, और उनकी वाइफ एक ब्रिलियंट क्लोथिंग डिज़ाइनर भी हैं और साथ में एजुकेशनिस्ट। आइए इनसे मिलते हैं।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल? बैठे 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 बैठे। क्या हाल है मेरी जान? कोई नहीं एक्साइटेड हुआ आपके आने पे? अलबत्ता आपके आने पे बड़ी एक्साइटमेंट थी मुझे। सिर्फ आपके आने पे एक्साइटमेंट। थैंक यू। बाय द वे आई लव द न्यू लुक। थैंक यू सो मच। आपकी नहीं बात हो रही, आपकी लुक चेंज हो जाए तो हम कितने खुश होंगे, राइट गर्ल्स? अपने वाला तो मैं लोक ही रहे हैं तुसी। अच्छा लोक ही रहे हैं। अच्छा आज हम बात करें रिश्तों की अहमियत पे। कोशिश करना कि थोड़ी सी सीरियस गुफ्तगू कर लेना। बात आपसे शुरू करेंगे जैन। हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ही मजबूत और उसी तरह उतना ही कमज़ोर रिश्ता जी। डिपेंड करता है आप उसको किस तरह आगे लेके चले। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आप बात कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं, अगले की समझ सकते हैं और बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है तो आई थिंक इनके साथ रहने जी स्पेसिफिकली बर्दाश्त अपनी बढ़ानी पड़ती है। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि जी आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की। उसके वजह कि बहुत सारा बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत सारा जो है एक दूसरे को बताना पड़ता है कि भाई ऐ नहीं करना। मेरी बेगम ने जो फरमाता है मैं उस तो नहीं जा सकता। तनु नहीं समझ आ रही। आप नहीं आगे जा सकते? नहीं जी। मेरा वैसे ये ख्याल है कि ये जो आपने मौजू उठाया है ये बड़ा सीरियस मौजू है। इस पर और बहुत नाजुक सूरत हाल है आपको। आपका काम आपको कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाइड रखता है, इनका काम इनको ऑक्यूपाइड रखता है, बीच में एक बैलेंस भी तो ढूंढना पड़ता है ना। मेरे ख्याल में जो ज़रूरी चीज़ें दो हैं वो हैं रिस्पेक्ट और स्पेस। अगर ये दोनों चीज़ें ऑब्वियसली जो है विद द रिस्ट्रिक्शंस, ये नहीं कि अन्य वाह स्पेस और अन्य वाह रिस्पेक्ट दोनों ही नहीं हो सकती। तो अगर स्पेस और रिस्पेक्ट है तो मेरे ख्याल है काफ़ी सारे मसले हैं जो होते ही नहीं हैं। लेकिन बहनों में भी तो यही होता है ना, जैसे आप लोग कह रहे थे कि एक कमरा आप लोग शेयर करते थे तो बड़ी लड़ाइयाँ होती थी। जब अपने कमरे अलहदा करते हैं, मियाँ भी तो नहीं कमरे अलहदा करते। क्यों? मेरे ख्याल में अलहदा कमरों में रहना चाहते हैं आपने? मैंने तो सुन लिया, आपने सुने घर? मैंने तो नहीं इसको लेके जाना, आपने लेके जाना, आपने सुना है। तुम्हारा नाम है मरहूम अहमद बिलाल, ये ना हो कि मरहूम ही हो जाओ इस मकबूर अहमद बिलाल में अगला सोच रहा हूं। अच्छा अच्छा जी गर्ल्स आप कह रही थी मेरे ख्याल में वो ठीक था कि कमरा भी एक है और लड़ाइयां भी हो रही हैं। अच्छा बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल में अलहदा कमरे और सुकून। अच्छा लेकिन उस नहीं, मेरे ख्याल में इकट्ठा, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है। और आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? क्योंकि मुझ पे शक रहता है कि ये क्या कर रही है, ये कौन सा काम कर रही है, कौन से कपड़े लेके आई है, कितने के लेके आई है। और मैं सारी चीज़ें छुपा के रख देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसको शौक है शॉपिंग का और ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज़्यादा। और हम इसको समझाते हैं कि ऐसे मत करो। नहीं अब मैं समझ गई हूँ, अब मुझे पता है कि मेरी शादी नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं उड़ा नहीं रही है, मैं बचा रही हूँ। लेकिन वो भी इसलिए बचा रही हो ताकि वो उड़ा सको शादियों की। Exactly. यार इनको जरा समझाओ कि जो शादी की एक्साइटमेंट में खर्चा होता है वो कितना बड़ा वेस्ट होता है, जरा आप लोग समझा दो जिनकी होगी शादी। आई एग्री, हमने तो किया नहीं था इतना वेस्ट। हमने बिल्कुल नहीं किया था, हमारी शादी पे टोटल 40 लोग थे। हमने तो बहुत आराम से और खाना खिलाया था उनको, रोटी तो खिलाई थी, खाने पे वेस्ट किया था। हमने सुना कि हनीमून पे भी आप अकेले ही चले गए थे। जी वो दरअसल हुआ ये था कि मैं जिस जगह जा रहा था वो जगह इसने पहले देखी नहीं थी तो मैंने कहा मैं हुआ था। प्लीज ये आप मुझे बताएं क्योंकि इसकी तो आधी बात ही नहीं समझ आती ना लड़के की, जरा आप एक्सप्लेन करें ये अकेले हनीमून पे कैसे चले गए थे और आपने जाने कैसे दिया? मैंने तो नहीं जाने दिया, मैं तो रोना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर इन्होंने दोस्तों के कंधे पे रखी बंदूक और दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल गए। सीक्वेंस बताएं, शादी हुई? शादी हुई, हम नया घर, हमारा शिफ्ट हम मूव कर रहे थे, सेटिंग कर रहे थे, अभी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन बिलाल के फ्रेंड्स लैंड करते हैं, कहते हैं भाभी हम जरा लेके जा रहे हैं। मैंने कहा ओके ले जाएं, नोबडी मेंशन के शहर से बाहर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, फिर बस ये गए दोस्तों के साथ पार्टी करके आ गए मुजफ्फरगढ़ से। कितने दिन के लिए? हफ्ता, पूरा हफ्ता। शादी के फौरन बाद? फौरन बिल्कुल, शादी के दौरान 15 दिन, 2 हफ्ते बाद। 15 दिन बहुत होते हैं, मैं क्या हो गया? अभी तो कहा है स्पेस और रिस्पेक्ट, स्पेस पहले है। तो शादी क्यों की थी फिर? अपनी स्पेस में रहते, वो अपनी स्पेस में रहती। ओ मुझे नहीं आइडिया था कि वो इतनी सीरियस शादी होने लगी है। ये नॉन सीरियस शादी कौन? आपने सीरियस शादी करनी है बेटा या नहीं? मैंने बिल्कुल सीरियस शादी करनी है। सीरियस?
अच्छा ये सवाल करे प्रोग्राम यूट्यूब तो चलना है। अच्छा एक और बात बता दे, मुंह दिखाई पे स्कूटर दिया गया? जी हाँ जी जी बिल्कुल। आई थिंक ये प्रॉब्ली सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे सो फार मिला है, विंटेज वेस्पा नियॉन येलो। मेरी तो एक मैंने भी मूवी किया रिसेंटली, उसमें एक लाइन है ना, तो किसी ने कहा कि आप ट्राई भी ले सकते हैं, मैंने कहा बड्डा तू वेस्पा। वेस्पा तो वैसे ही मेरे दिल के बड़ी करीब हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या था मुंह दिखाई पे आपको? भाई देखिए मुंह दिखाई आप बैठे होते हैं साथ, आपको ऐसे करके कुछ ज्वेलरी या कुछ, तो वेस्पा किस चीज में था? गैराज में। अच्छा तो क्या बाहर लेके आए थे? नहीं नहीं, मैंने कहा था मेरी गलती है तो बाहर कर, बाहर वेस्पा खड़ा हुआ है। तो उसने मेहरबानी की, उसने यकीन कर लिया, बगैर देखे उसने यकीन कर लिया, और अगले दिन जब उसने देखा तो वाकई वेस्पा खड़ा था। अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। तो स्कूटर दे दिया लड़की को, आप उसको हैंडओवर करके खुद चले गए, उसी पे चढ़ के जब पहुंच जाती मुजफ्फरनगर। मैंने सोचा था ये, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी स्पेस में दे देती हूं। अच्छा प्रपोज किसने किया? इसने। विलास सही सही बताए ना। प्रपोज वैसे हमें से किसी ने किया, हमारी अरेंज मैरिज थी, बिल्कुल अरेंज थी, तो हमारा तो ये प्रपोजल में, हम तो इसे अच्छा ही नहीं समझते, ये जो काम होता है ना प्रपोज कर दिया और ये कर दिया, बहुत गलत हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए। और मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, अगर दोनों ने झूठ बोल लिया है तो मुझे बताएं कि किसने, सच्ची बताओ किसने प्रपोज किया। ठीक हो गया, अब मैं ये ना बात फौरन ही क्लियर कर देता हूँ। पिछली दफा जब हम आपके प्रोग्राम पे आए थे आपने यही बात पूछी थी, हम 15 मिनट इधर उधर की मारते रहे, हमसे जितने झूठ बुलवाने थे हमने पिछले महीने में बोल लिए, इसमें हमने ना साचा हमने बताना नहीं है झूठ, अब हमने पिछले प्रोग्राम में बोल लिया है, ये पीटीवी पे चलेगा ना? झूठ बोलने में ये मसला है कि याद नहीं रहता कि क्या बात हुई थी। अल्लाह की कसम है हम इस प्रोग्राम के बाद अलग बैठेंगे और मैं सारी बात बिल्कुल सच सच बताऊंगा। आप हर साल प्रोग्राम के बाद कहते हैं और उस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में बड़ा अच्छा गुजर गया, सालों गुजर गए। क्या ये भी मुझे शादी कर लो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, ये तकलीफ बांट लेते हैं, मतलब इस टाइप की बात कि हाँ, की, हाँ। हाँ। मैं वैसे मैंने कहा कि सवाब का भी काम है तकलीफ देना एक दूसरे को। नहीं मतलब मैंने कहा कि वैसे शादी कर लोगी तो बहुत सवाब होगा। अच्छा स्पेशल स्पेशल ये एनजीओ में भी काम करती रही थी तो इसे हमेशा एडजस्ट करने में ज्यादा मसला नहीं हुआ। मैं हर बार ये पूछती हूं, मैं आज फिर ये पूछूंगी, क्या पसंद आया था और क्या आज भी वो पसंद है? हां सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ही स्टिल सो फनी, जैसे कि आप देख सकते हैं किसी बात का सीरियस जवाब नहीं आएगा, सो आई थिंक ये सबसे। हां और जब कोई सीरियस बात करनी हो जिंदगी की तो उस वक्त फिर क्या होता है? उस वक्त भी जोक होता है, फिर सब लोग एंजॉय करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का स्टाफ है या घर का स्टाफ है, जिस मौके पे जो कोई सीरियस सवाल पूछा है उसका उतना ही कॉमिक जवाब। मैंने इतना कॉमिक जवाब दिया था। एग्जांपल किसी बड़ी सीरियस गुफ्तगू में मुब्तला है इनके साथ और कह रही है देखो हमें ये करना है, ऐसे करना है, वो करना है, और आगे से वो अपनी जुगते मार रहे हैं, गुस्सा नहीं चढ़ता? बिल्कुल चढ़ता है, तो आई सेड पेशेंस एंड टॉलरेंस। अच्छा वो देखा ना, बर्दाश्त बर्दाश्त और बर्दाश्त, मेहनत मेहनत और मेहनत, और उससे पहले बर्दाश्त 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 और मजीद एक दफा बर्दाश्त। आप में से ऐसा कौन है? एक नया सिलसिला शुरू किया है, एक अच्छी सी बात जो हमारे व्यूअर्स हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है, और उस अच्छी सी बात को हम ऑन एयर शेयर करेंगे कि फलां शख्स ने ये बात कही और ये था, और उस पे हम फिर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे लेडीज से, एक निकाल दीजिए, कोई शादी आपकी हो रही है आप निकाल दीजिए। बिस्मिल्लाह, लाइए लाइए लाइए, मैं बताती हूँ क्या लिखा हुआ। अंग्रेजी में उन्होंने लिख दिया ना, रोमन में। हाँ, अपने गुस्से को पी जाना अच्छी बात है, नूर फ्रॉम हैदराबाद ने कहा है। वेरी नाइस। बहनों के रिश्तों में ये कैसे अप्लाई होता है और हस्बैंड वाइफ में? चले बहने बताएं। अगर मैं अपनी बात करूं तो ये मैं वो हूं जो अपने गुस्से को पी जाती हूं और मैं इतना मतलब लिप सिप कर लेती हूं कि मैं बिल्कुल नहीं बोलती, चाहे फिर अगला बंदा कुछ भी बोल दे मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती। पहले नहीं था? हाँ ये दो तीन साल से हुआ है, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती, बिल्कुल चुप रहती हूँ। सो वो वक्त वो टाइम गुजर जाता है, वो वक्त गुजर जाता है। इसके पीछे रीज़न है?
कि मेरी बहनों ने शादी पे मेरे सारे काम संभालने हैं तो मैं चुप ही रहूं। नहीं 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 नहीं, वो तो अब हुआ है ना। नहीं नहीं, मैं वैसे भी नहीं बोलती, मैं कहती हूँ कि एक चुप सौ सुख। हाँ, मुझे ना, मैं बहुत ही टॉकेटिव थी, बहुत बोलती थी, तो मुझे मेरे ऑफिस में एक लड़के ने एक बात कह दी थी मजाक में, तो वो मुझे, मैंने उसकी बात पकड़ ली थी, पल्ले बांध ली थी। उसने कहा था कि हुमा खामोशी सोना है, वो उसने ऐसी बात कही कि मैंने उस दिन से खामोशी लगा ली। मतलब ज़्यादा बोलते हैं तो आपसे ब्लंडर भी हो जाते हैं, आप कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं जो अगले को हट कर जाता है, या वो बोलने वाली बात नहीं होती। सो उसने ऐसी बात कह दी, मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। रोम साहब जी जी अच्छा, व्हाट अबाउट यू गर्ल्स, आप में दोनों, बाकी दोनों में गुस्सा चढ़ता है? नहीं, बिल्कुल गुस्सा आता है, लेकिन ये है कि क्योंकि बहनें हैं तो थोड़े टाइम के लिए होता है, भूल जाते हैं जल्द। नहीं नहीं, अपनी पर्सनालिटीज़ में वैसे मुझे, मैं नहीं, इतना ये मुझे इतना नहीं, इतना गुस्सा नहीं आता। और बाज़ुकात बहुत हमारी लड़ाई हो भी रही हो ना, तो मुझे चीज़ें भूल जाती हैं, इसने क्या कहा था बताना ज़रा, लास्ट लड़ाई पे इसने कौन सी बात की थी, मुझे भूला होता है। आपको चढ़ता है गुस्सा? चढ़ता है ना? तुम लोग बता दो मुझे कितना गुस्सा। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट हूँ, लेकिन जब आता है गुस्सा तो ज़्यादा आता है। उसकी रीज़न यही है कि मैं ज़्यादा टाइम बहुत पोलाइट रहती हूँ, और बहुत ही सोच समझ के बात करना, धीमे लहजे में करना, लेकिन जब फिर वो चीज़ें मुझसे बर्दाश्त से बाहर होती हैं, फिर मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर बस मैं गुस्से में पागल हो जाती हूँ। पागल इस सेंस में मुस्कुराए से गुस्से में पागल हो जाती हूँ, बिल्कुल दीवानी हो जाती हूँ, क्या बताऊँ मैं आपको। बिल्कुल ठीक है, सही है, डन है। अच्छा, मेरा पहले ये होता था कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ता था, और बड़ा रेगुलरली आपकी तरह बिल्कुल। फिर मैं भी, अब वही है कि बर्दाश्त 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 बर्दाश्त, और फिर एट सम पॉइंट अनफॉर्चुनेटली फिर मीटर आउट हो ही जाता है, क्योंकि देखे ग्लास में पानी डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, एक पॉइंट आएगा जब वो पानी स्पिल कर ही जाएगा, मीटर आउट नहीं होता, क्योंकि मैंने ये ठान लिया है, सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए। जान अभी 3 साल हुए हैं ना, 4 साल बाद पूछूंगी ना मीटर आउट हो रहा है। सब देखो, गुस्सा एक बड़ी नॉर्मल और नॉर्मल चीज है, ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं, बट राइट टाइम पे पी जाना बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट अबाउट यू गाइस? मेरे ख्याल में जो है ना, गुस्से में मतलब जनरली जनरल लाइफ में हम इतने सारे लोगों से डील करते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं अपनी 36 साल ज़िंदगी में, वैसे मेरी उम्र 22 साल है, लेकिन अपनी 36 साल ज़िंदगी में इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये जो गुस्से के रिस्पॉन्ड में गलत अल्फाज यूज़ करना है ना, वो सबसे बुरी हरकत है। मतलब जो चीज़ मुक्कों से हल हो सकती है, वो उसमें आपने ज़बान क्यों गंदी करनी है अपनी? आप अब क्या कहना चाहेंगे? दो सेकंड के लिए लगा था कि कोई तमीज की बात ही आदमी कर लेगा, लेकिन पॉसिबल नहीं। तमीज तो फिर तमीज तो है नहीं, खवातीन इतनी में बैठ गया हूँ, लेकिन फिर भी तमीज नहीं आई। अच्छा, जरा देखो इर्द गिर्द सिर्फ खवातीन ही खवातीन है। कुछ कहेंगी? मुझे तो फौरन गुस्सा आ जाता है, और मैं बहुत जज्बाती हूँ, और फुल ड्रामा, फुल इमोशनल ब्लैकमेलिंग आंसुओं के साथ, चाहे वो कोई ऑर्डर डिले हो रहा है या वर्कर्स काम नहीं कर रहे या कोई और मसला हो गया, मैं तो आई डोंट नो, वो मुझे लगता है बहुत अजीम लोग होते हैं जो गुस्सा कंट्रोल कर जाए और सोचे कि इधर ये डिस्प्ले करना है कि नहीं, मुझसे नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है, नहीं होता फिल्टर, बहुत मुश्किल काम नहीं है। होता। चले अब हम अपने पारे को वापस लो करते हैं, क्योंकि एक और अच्छी सी बात हमने ज़रूर करनी है, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें भेजते हैं अच्छी अच्छी बातें, अच्छी बात, पते की बात, प्यार की बात, कोई अच्छी सी बात आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, हमारे सोशल मीडिया पे, मॉर्निंग एट होम पे, और आप कॉल करके भी शेयर कर सकते हैं, अपना नाम और अपनी जगह ज़रूर बताएं कि मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलाकोट, वेयर एवर यू आर, वो भी ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके नाम के साथ हम आपकी अच्छी सी बात शेयर करके उस पर गुफ्तगू करें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत ही awesome सा सॉन्ग सुनेंगे। ओवर टू यू गर्ल्स। नहीं, आप नहीं बैठे रहे, जिनको आता है गाना उनको गाने दें। 100 दफा आपको मैंने ये बात समझाई है। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, जब कल्ला मुंडा साडे को लेगा है तो उसे एक ही काम कराना बनता है, और वो है, ये क्या लिखा है? लोवी। लोवी, अच्छा। लव लेटर आपने लिखना है मिसेज मरहूम के लिए। बेगम के लिए लिखना है? तो मिसेज मरहूम और कौन है? बेगम को कौन लव लेटर लिखता है? अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ।
मैं पहले दस मजाक ना लिख रहे प्रोग्राम ले मैं अब किचन में चली गई हूँ क्योंकि जो आपने बात की है इसके बाद आपको कुट पड़नी है घर पे, तो हम किचन में देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या है क्योंकि वो जरा एक अर्जेंट मैटर है। जी क्या सिचुएशन है शेफ? सब कुछ रेडी है। वेल डन, हमारे तड़के वाले चावल भी तैयार हैं, हमारे बहुत ही लजीज लुकिंग कश्मीरी दाल भी तैयार है। कौन सी दालें कंबाइन की थी आपने? मैंने मसूर की दाल और चने की दाल। मसूर की और चने की दाल और भरी हुई मिर्चें जी फ्राइड और जी। साथ में हमारी लजीज सी खीर। ऑसम, थैंक यू सो मच शेफ। वेलकम, वेल डन। और बाय द वे ये आज शेफ आत्मा की पहली अपीयरेंस थी ऑन टेलीविजन, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेल डन, आपकी दाद देनी बनती है। वेल डन मेरा बेटा, ग्रेट जॉब। ओके, जरा मैं इस साइड पे आती हूँ और अब हमने एक छोटा सा काम करना है। एक और छोटी सी बात करनी है, उनका तो खत ही नहीं खत्म हो रहा, खतों खताबत तो हम यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, हम देखते हैं कि आपने अच्छी सी बात क्या निकाली है। अच्छा जी, रस्ते में पड़ा पत्थर किसी की ठोकर का बायस बन सकता है, उसे उसको रस्ते से हटाना अच्छी बात है, अहमद ने कहा है फ्रॉम लाहौर। बहुत आला। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं आजकल की सोसाइटी में, आजकल के माशरे में, आपके ख्याल से इज़ इट समथिंग दैट वी डू? क्या हम लोगों के रोज रस्ते के पत्थर उठाते हैं? मैंने देखा है काफ़ी सारे लोगों को एटलीस्ट वो साइड पे पैर से कर देते हैं अगर फिजिकली इस रस्ते में हो, लेकिन मेटाफोरिकली ऐसा नहीं होता। हाँ, वो पत्थर उठा के शायद साइड पे कर देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू होता है आजकल व्यूअर्स, वो यही होता है कि हर बंदा अपनी जिंदगी की रेस में इतना तेजी से दौड़ रहा होता है कि बिल्कुल दूसरों को पीछे छोड़ जाता है, और कभी वो दूसरे अपने होते हैं, यू नो, बड़ी दफा, बल्कि सबसे ज्यादा हम अपनों को इग्नोर कर देते हैं, फ्रेंड्स को भी टाइम दे देते हैं, दूसरों को भी दे देते हैं, भाइयों को, बहनों को, और हस्बैंड वाइफ का मामला जरा खराब हो जाता है। इधर आए ना, जरा देखते हैं किसने लिखा। हमारे आप बस हो गए, एक मिनट फकत तो लिख दो, पता तो लगे किसकी तरफ से। We will figure it out, बिलाल। बिलाल हम अच्छा ओके। फकत क्या पता नहीं, हाँ फकत अच्छा फकत। आ जी हो गया। आ जाओ जी, लड़की हमारे पास। पढ़ के सुनो या आप खुद पढ़ेंगे? आप इधर आए ना, इधर आप मारेंगी जी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जरा फासले पे ये बात हो। मैं थाम लूँ लड़की को। हाँ जी बताइए। क्या है जी लव लेटर? प्यारी बेगम, शायर ने क्या खूब कहा है कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी बेगम लाखों में एक। यूनिक। जिंदगी के एक और मकाम पर शायर फरमाते हैं कि हमेशा लेट कर देता हूं मैं हर बात करने में, तो मैं कहना यह चाहता हूं कि आई इज द एम लव यू, लेकिन याद रखना, गुड इंग्लिश, मेरा दिल सिर्फ तेरी ही मोहब्बत के लिए है, मगर ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है, फकत मैं। खैर, हंसी मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन रिश्तों की अहमियत के ऊपर कितनी तवज्जो देनी चाहिए, ये मैं आप सबसे जानना चाहूंगी। आपसे शुरू करते हैं। मैं इस पे यही कहूँगी कि रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते ही हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आपके हर दुख सुख में आपका साथ यही लोग हैं जो देते हैं। अदरवाइज़ जब आप इनको ही इग्नोर करते जाएंगे और रिश्तों को अहमियत नहीं देंगे, तो आप एक दिन बहुत ज़्यादा पछताएंगे और बहुत अकेले हो जाएंगे। इसलिए वो कोई भी रिश्ता हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बहन भाई ही हों, कोई भी रिश्ता हो आप उसको बहुत ज्यादा अहमियत दें। बिल्कुल जी। You're about to get married, इंशाल्लाह। तो उस perspective से भी जरूर रिश्ते जो हैं वो आपका एसेट होते हैं, आपने उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी होती, गुजारनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं आपकी लाइफ का। और अगर आप समहाउ किसी भी एक बहुत ही अच्छे फैक्टर की वजह से अपने रिश्तों को इग्नोर करके आगे जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं, एक पॉइंट, एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि जब आपको वापस आना पड़ता है उन्हीं रिश्तों के पास जिनको आप किसी टाइम पे इग्नोर करके आगे गए होते हैं।
सो इट्स बेटर कि आप इग्नोर करके आगे जाएं, आप अपने रिश्तों को अपने साथ साथ रखें, अपनी रूट्स में रहें, जुड़े रहें अपने रिश्तों के साथ, ताकि आपको आप मेंटली तौर पे भी सेटिस्फाइड रहें और आपकी सपोर्ट आपके साथ बनी रहे. सो वेरी इम्पॉर्टेंट जी. मुझे लगता है कि जो आपके खूनी रिश्ते होते हैं, आप सबसे पहले इम्पोर्टेंस उनको दें, और अगर आप उनको इम्पोर्टेंस देंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा नाउ हाउ आएगी कि आपने किसी दूसरे को हाउ टू गिव द इम्पोर्टेंस टू अदर वन, चाहे वो आपकी लाइफ में बाद में शामिल हो रहे हैं लोग, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, वट एवर, लेकिन सबसे पहले आपके जो ब्लड रिलेशनशिप्स हैं, यू हैव टू मस्ट द इम्पोर्टेंस टू देम. बिल्कुल सही. आप क्या कहेंगे महूम साहब? मैं जी यही कहना चाहूँगा कि हरे भरे से रिश्तों के पेड़ों पे अक्सर जलते लफ्ज़ों की पतझड़ भी आ जाती है. हंसते खेलते कितने पत्ते शाखों से गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी प्यार भरा एक हाथ कोई इन सूखे पेड़ों की शाखों को गिनता है तो जहाँ जहाँ पे हाथ पड़े वो शाखें जिंदा हो जाती हैं, रिश्तों के सदियों से सूखे पेड़ पे पत्ते आ जाते हैं. खड़े ना हो, पहली बस कर दो ना, पहली तुक की बात के बाद ये करना जरूरी था. सॉरी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा रिश्तों के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिश्ते कराने वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी दिल से इज्जत करें, क्योंकि रिश्ते की इज्जत तब करेंगे ना जब रिश्ता होगा. और आपका जिस मुश्किल से हुआ है जी, आई थिंक बहुत ज़रूरी है अपने इर्द गिर्द सपोर्ट सिस्टम, ऑफ कोर्स फैमिली, ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स कोलीग्स, बट मैं बहुत इम्पोर्टेंटली इस बात पे एम्फसाइज करना चाहूँगी कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाँ अगर कुछ टॉक्सिक है तो डू कट देम ऑफ. आई मीन वो लाइबिलिटी साथ लेके चलना शायद उस तरह ज़रूरी नहीं है जो आपका ब्लड रिलेशनशिप के अंदर, जिस तरह आपको यू हैव टू स्टिक टू देम. ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे इंसान की ज़िंदगी में नेगेटिव लोग आ जाते हैं, और हर मुलाकात और हर गुफ्तगू के बाद अगर इंसान अपने आप से नफरत करना शुरू हो जाता है या बुरा महसूस करता है, तो फिर उन सिचुएशंस को और उन ताल्लुकात को थोड़ा अवॉइड भी करना चाहिए. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर मैं भी कहना चाहूँगी व्यूअर्स के, जब शादी हो जाती है कपल की, तो फिर खूनी रिश्तों को भी इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए कि वो उनको पुश करें कि वो साथ रहें और वो खुश रहें. प्रॉब्लम ये होती है कि हम खून के रिश्तों पे इतना फोकस करते हैं कि जब शादी हो जाती है तो खून के रिश्ते कहते हैं कि भाई हमें इम्पोर्टेंस दो, उधर शोहर अब आपका टाइम मांग रहा होता है या बीवी आपका टाइम मांग रही होती है और उसकी फैमिली को भी आपने देना है, तो फिर ये भी अंडरस्टैंड करना, क्योंकि देखो आप तीनों हमेशा से ऐसे रही हो बहनें जी. अब जब एक बहन की शादी होगी तो ऑब्वियसली वो अपनी लाइफ में भी बिजी होगी, इन लॉज को भी टाइम देना है, क्योंकि देखिए अब उसकी एक नहीं दो फैमिलीज हो गई हैं और वो कंबाइन करके एक फैमिली बनती हैं. और इसीलिए तो कहते हैं ना कि जब शादी हो जाती है तो लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, वो दूरी टेम्प्ररी होती है, लेकिन वो परमानेंट तब हो जाती है जब अपने जो हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद या इशूज़ करना शुरू कर देते हैं. तो एक दूसरे की सपोर्ट करें. ये पत्थर वाली बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि भाई रस्ते में अगर पड़ा हुआ पत्थर है तो उसको उठा के साइड पे कर दें, किसी को ठोकर भी लग सकती है. इसी तरह अगर आप किसी की ज़िंदगी में तकलीफ़ या प्रॉब्लम्स या इश्यूज देखते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करें, और अगर आसानी नहीं पैदा कर सकते तो कम से कम तकलीफ़ ना दें, जैसे कि मरहूम अक्सर लोगों को देते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए. शेफ, ग्रेट जॉब, वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा. प्राउड की जगह वेरी वेरी, किस तरह का टेस्ट है मुझे नहीं पता अभी तक, वो आपको अभी हम दाल के डोंगे में बिठा देंगे. अब मनवा सिस्टर्स के साथ क्लोज करेंगे विद माय फेवरेट सॉन्ग. यस, ओवर टू यू गर्ल्स. हां.